वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये लेक्चर सीरीज हमारा बायोकेमिस्ट्री एस्टिमेशन टेक्निक पे होगा और खास तौर पर ये एंड पॉइंट केमिस्ट्री के ऊपर होगा। जब हम ये कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं तो इसमें मेजर तीन किस्म के टेक्निक्स यूज करते हैं कलरमेट्रिक टेस्ट में, या तो वो एंड पॉइंट केमिस्ट्री है, या फिर काइनेटिक केमिस्ट्री, या फिर फिक्स टाइम काइनेटिक्स। एंड पॉइंट केमिस्ट्री क्या है? एंड पॉइंट केमिस्ट्री में हम रिएजेंट और सैंपल को मिक्स करते हैं और रिएक्शन को होने देते हैं एक स्पेसिफिक टाइम तक, और उस टाइम के बाद हम रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम कलर रीडिंग लेते हैं और उससे कम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि उस एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर आप लोगों में से किसी ने एलाइजा टेस्ट किया होगा तो आपको याद आएगा कि जब हम पहले एंजाइम डालते हैं, एंजाइम के बाद सबस्ट्रेट डालते हैं, सबस्ट्रेट को कुछ देर के लिए इंक्यूबेट करने देते हैं, इस स्टेज पे कलर डेवलप होता है। ठीक फिक्स टाइम पे, जैसे कि 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट, जो भी किट के अनुसार है, उतने टाइम के बाद हम एक स्टॉप सॉल्यूशन डालते हैं। स्टॉप सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो पीएच को चेंज करके रिएक्शन को बढ़ने से रोक देता है। इससे हम एक स्टॉप सॉल्यूशन डाल के रिएक्शन को रोकते हैं, फिर कलर रेकर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या अगर थायराइड के लिए कर रहे हैं तो थायराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसमें स्टॉप सॉल्यूशन डालते हैं। ये एंड पॉइंट केमिस्ट्री है क्योंकि हमने रिएक्शन को रोका है और रोकने के बाद देखा है कि कितना कलर डेवलप हुआ है। ग्लूकोज एस्टिमेशन और प्रोटीन एस्टिमेशन भी एक किस्म का एंड पॉइंट केमिस्ट्री है। हम इसको रोज बायोकेमिस्ट्री में करते हैं और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें स्टॉप सॉल्यूशन अलग से डलता नहीं है। तो किस तरीके से इसको हम एंड पॉइंट केमिस्ट्री बोलते हैं? जब हम प्रोटीन एस्टिमेट करते हैं, सीरम में प्रोटीन एस्टिमेट करते हैं, तो हम बायोरेट्स टेस्ट करते हैं जिसमें प्रोटीन को बायोरेट्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। प्रोटीन बायोरेट्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एक पर्पल कलर देता है। 5 मिनट के अंदर जितने भी प्रोटीन सैंपल में है वो बायोरेट्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कलर दे देता है। अब 5 मिनट के बाद जितना भी टाइम दो, कोई प्रोटीन बचा नहीं है जो कि बायोरेट्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए 5 मिनट के बाद कलर बढ़ता नहीं है। अब आप 5 मिनट के बाद रिएक्शन रीडिंग लो या 10 मिनट के बाद रीडिंग लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई प्रोटीन बचा ही नहीं बायोरेट्स रिएजेंट को रिएक्ट करने के लिए। तो ये एक किस्म का एंड पॉइंट केमिस्ट्री है क्योंकि फाइनल कलर के बाद कोई कलर बढ़ नहीं रहा है। कम टू ग्लूकोज एस्टिमेशन। नॉर्मली जब ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं तो हम जीओडी पीओडी मेथड यूज करते हैं। इसमें ग्लूकोज को हम जीओडी ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे H2O2 बनता है। H2O2 फिर परऑक्सीडेज के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन डाई के साथ रिएक्ट करता है 4-अमाइनो एंटीपायरिन और एक पिंक कलर देता है, जिसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके सैंपल में कितना ग्लूकोज है उसका एस्टिमेशन करते हैं। नाउ जो रिएजेंट हम यूज करते हैं जीओडी पीओडी मेथड में, उस रिएजेंट में जीओडी जो है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर कोई ब्लड सैंपल में, प्लाज्मा सैंपल में ग्लूकोज 2000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, तब भी दिए गए 10 मिनट के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज ऑक्सीडेज उसके साथ रिएक्ट करके H2O2 प्रोड्यूस करेगा जो फाइनल कलर देगा। तो अगर सैंपल, नॉर्मली सैंपल में आप जानते हैं कि ग्लूकोज जो है 500-600 से ज्यादा नहीं होता है, तो जो 10 मिनट के टाइम जो हम इनक्यूबेट करते हैं कलर डेवलप करने के लिए, इस 10 मिनट के अंदर सैंपल में जितना भी ग्लूकोज है सब कंज्यूम होके सब H2O2 प्रोड्यूस करता है जो फाइनल कलर देता है। तो रिएक्शन अपने आप 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। कोई ग्लूकोज नहीं है, कोई H2O2 नहीं बनेगा, कोई H2O2 नहीं बनेगा तो कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं आएगा। तो एक तरीके से रिएक्शन फाइनल में जाकर रुक जाता है। तो ये भी एक किस्म का एंड पॉइंट केमिस्ट्री होता है। नाउ टू पुट इट वेरी सिंपली, हम सैंपल को लेते हैं, उसमें रिएक्शन मिक्सचर को डालते हैं, रिएजेंट को डालते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करने देते हैं, और ये रिएक्शन को अलाउ करने देते चलने देते हैं जब तक कि फुल और फाइनल कलर ना बने। गिवन टाइम के बाद रिएक्शन को रोकना पड़ता है। अगर हम प्रोटीन के हिसाब करेंगे तो उसमें 5 मिनट के अंदर जितना भी प्रोटीन है बायोरेट्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसके बाद कलर नहीं बनता है।
ग्लूकोज ऑक्सीडेज के ऊपर देखेंगे तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम इतना ज्यादा है कि जितना भी ग्लूकोज है सैंपल में उसको वो कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके बाद कलर नहीं बढ़ेगा। या जैसे इलाइजा देखते हैं जिसमें कलर बढ़ने का चांस है, तो एक स्टॉप सोल्यूशन डाल के रिएक्शन को रोक देते हैं। चाहे जो भी तरीका हो, रिएक्शन खत्म हो जाता है और इसके आगे कलर बढ़ता नहीं है। उस समय हम रीडिंग लेते हैं और वो रीडिंग जो लेते हैं उसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके फाइनल कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंड पॉइंट केमिस्ट्री।